नमस्कार दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा नींबू के 10 चमत्कारी तांत्रिक टोटके के बारे में, जिनको करने मात्र से आप मालामाल हो जाओगे। जी हाँ दोस्तों, यह जो हमारा प्रयोग है बहुत ही चमत्कारी है। दोस्तों यह प्रयोग ज्योतिष शास्त्र के अनुसार है, तो दोस्तों यदि आप इस प्रयोग को करते हैं तो दोस्तों आप मालामाल जरूर हो जाएंगे। तो दोस्तों चलिए हम आपको बताते हैं नींबू के द्वारा 10 चमत्कारी तांत्रिक टोटकों के बारे में, जो दोस्तों आपका जीवन बदल देंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आपसे विनती है कि इस वीडियो को पूरा और आखिरी तक देखिएगा, तभी आपके समझ में आएगा, क्योंकि दोस्तों मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको ऐसी ही रहस्यमय जानकारी देता रहता हूँ। क्योंकि दोस्तों जो हमारा प्रयोग है इतना हैरान कर देने वाला है कि मैं आपसे क्या बताऊं। यह बहुत ही दिव्य है, बहुत ही चमत्कारी है, और यह टोटके अजमाए हुए टोटके हैं। जी हाँ दोस्तों, यह 10 चमत्कारी तांत्रिक टोटके हैं, वो भी ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, जो आपको मालामाल कर देगा और आपके भाग्य को जगा देगा। जी हाँ दोस्तों, और यदि आपका भाग्य सोया हुआ है तो दोस्तों उसको चलने पर मजबूर कर देगा और आपके जीवन में खुशहाली समृद्धि लेकर के आएगा। आप लोगों को तो पता ही है कि दोस्तों जीवन में दुख, जी हाँ दोस्तों, दुख मनुष्य को तोड़ देता है, अन्य समस्याएं तोड़ देती हैं, तथा दोस्तों इसके साथ साथ दोस्तों बहुत सारी अन्य समस्याएं जो होती है पारिवारिक, उससे भी हमारा मन हताश हो जाता है और दोस्तों हमारी बुद्धि कार्य नहीं करती है। साथ ही साथ दोस्तों इससे जुड़े अनेकों समस्याएं होती है, नकारात्मक ऊर्जाएं जो कि इंसानों से बहुत दूर होती है, लेकिन प्रभाव इंसानों पर सदैव रहता है, लेकिन कुछ मनुष्य नहीं समझ पाते हैं। इन सभी समस्याओं का समाधान होगा इस वीडियो में, तो पूरा और आखिरी तक देखिएगा, तभी आपके समझ में आएगा जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले इस वीडियो को पूरा और आखिरी तक देखिएगा, तभी आपके समझ में आएगा, क्योंकि मैं अपने चैनल के माध्यम से ऐसी ही रहस्यमय जानकारी लाता रहता हूँ। तो दोस्तों चलिए मैं आपको बताता हूँ नींबू के 10 चमत्कारी टोटके जो आपको हैरान कर देंगे। यह आस्था और विश्वास का मामला है। बहुत से लोग नींबू का उपयोग किसी तांत्रिक कर्म करने के लिए करते हैं, लेकिन नींबू के सात्विक उपयोग को भी नकारा नहीं जा सकता। यहाँ नींबू के केवल सात्विक प्रयोग ही मैं बताऊंगा जो समाज में प्रचलित है। तो दोस्तों हमारे साथ बने रहिएगा और इस वीडियो को पूरा देखिएगा अगर आप मालामाल होना चाहते हैं, क्योंकि दोस्तों यह प्रयोग जो मैं बता रहा हूँ, इसको करने मात्र से दोस्तों आपके घर में अकूत संपत्ति आएगी, इतना धन बरसेगा कि आप सोच नहीं सकते। यानी कि यदि आप परेशान हैं, बहुत ज्यादा समस्या से ग्रसित हैं, आपके घर में पैसा नहीं आता, पैसा बचता नहीं है, काम तो बहुत करते हैं लेकिन पैसा नहीं बचता, बरकत नहीं होती है, और आपके घर में कोई ना कोई रोग लगा रहता है, समस्या बनी रहती है, तो दोस्तों ये समस्याएं सभी दूर हो जाएंगी। जो मैं प्रयोग बताने जा रहा हूँ बहुत अद्भुत है, और दोस्तों पैसे से जुड़ी समस्या ठीक हो जाएगी, आपके घर में पैसा बहुत आएगा, आपको माला माल कर देगा। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो देखा जाए दोस्तों नींबू के आयुर्वेदिक फायदे बहुत बहुत ज्यादा हैं, और इसमें विटामिन सी के भरपूर मात्रा में पोषक तत्व पाए जाते हैं नींबू में, और नींबू जो होता है विटामिन सी का एक अच्छा स्रोत माना जाता है। साथ ही साथ इसमें अन्य मिनरल्स और अन्य लवण खनिज पाए जाते हैं और अन्य पोषक तत्व भी जो हमारे शरीर के लिए फायदेमंद होते हैं। लेकिन दोस्तों इसके तांत्रिक फायदे वास्तव में हैरान कर देने वाले हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी नींबू बहुत लाभदायक होता है, लेकिन नींबू में आपके संकट को दूर करने की क्षमता भी है। यह नींबू आपको माला माल भी बना सकता है, यानी आपको पैसे वाला बना देगा और आपको पता नहीं चलेगा। जो मैं प्रयोग बताने जा रहा हूँ दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा तभी समझ में आएगा, और इसलिए आपसे कह रहा हूँ इस वीडियो को पूरा आखिरी तक देखिएगा, तभी समझ में आने वाला है। तो दोस्तों तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले बताऊंगा मैं बुरी नजर से बचने के लिए प्रयोग। यह उपाय तो आप जानते ही होंगे, अगर नहीं जानते होंगे तो सुन लीजिए। अक्सर दुकानों में हरी मिर्च के साथ एक नींबू टंगा होता है, आप लोगों ने देखा होगा दुकानों में देखा होगा कि हरी मिर्चों के साथ एक नींबू टंगा होता है, और जिस तरह एक प्याज टांगने से वहां आसपास की गर्मी सोख लेता है, उसी तरह नींबू बुरी नजर को सोख लेता है। जी हाँ दोस्तों, जो नींबू होता है एक नींबू और कई काम, एक नींबू मिर्च के साथ धागे में लपेट करके दुकान में लगाने से दोस्तों क्या होता है, जो बुरी नजर होती है आपके आसपास या आपकी दुकान का कोई बंधन करता, जादू टोना मारता है आपकी दुकान के ऊपर, उसको काट देता है और उस बुरी शक्ति को सोख लेता है। तभी तो लोग हर शनिवार में नींबू चेंज करते हैं मिर्ची वाला। ठीक है दोस्तों, माना जाता है कि नींबू का खट्टा
और मिर्ची का तीखा स्वाद बुरी नजर वाले व्यक्ति की एकाग्रता भंग कर देता है, जिससे वह अधिक समय पर घर या दुकान को नहीं देख पाता। समझे मित्रों? अब दोस्तों दूसरा प्रयोग है, वो है वास्तु दोष मिटाएं। जी हाँ दोस्तों, नींबू से। तो दोस्तों जिस घर में नींबू का पेड़ होता है वहाँ किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा सक्रिय नहीं हो पाती है। नींबू के वृक्ष के आसपास का वातावरण शुद्ध और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर रहता है। नींबू का पेड़ घर के वास्तु दोष को दूर कर देता है। यदि मान लीजिए आपके घर का वास्तु दोष खराब है, दोस्तों ये बात ध्यान से सुनिएगा, लोग लाखों रुपए खर्च कर देते हैं वास्तु दोष मिटाने के लिए, दूर करने के लिए, और बहुत सारे जो है दोस्तों जो ओझा होते हैं, तांत्रिक होते हैं, जो बाबा होते हैं, उनको पैसा देते हैं, लेकिन फिर भी वास्तु दोष नहीं ठीक होता। इसका मेन कारण है दोस्तों कि एक तो पहली बात, आपने वास्तु के विपरीत वास्तु दोष आपने पाल लिया है, और उसको दूर करने के लिए बहुत सारी चीज़ें करी जाती है, लेकिन उससे भी ठीक नहीं होता है। लेकिन दोस्तों यदि आप एक नींबू का पेड़, यदि किसी घर में वास्तु दोष है, यदि आप वहाँ एक नींबू का पेड़ लगा देते हैं, तो दोस्तों निश्चित ही वहाँ का जो वास्तु दोष है वो ठीक हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, और जो नकारात्मक ऊर्जा होती है वो सक्रिय नहीं हो पाती। नींबू के वृक्ष के आसपास का वातावरण शुद्ध और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर रहता है, और नींबू का पेड़ घर के वास्तु दोष को हमेशा के लिए दूर कर देता है जब तक वो वहाँ पर लगा रहता है। यदि पेड़ नहीं है तो एक नींबू लेकर उसे घर के चारों कोनों में 7 बार घुमाएं और कहीं सुनसान जगह पर ले जाकर उसके 4 टुकड़े करके चारों दिशाओं में नींबू का एक एक टुकड़ा फेंक कर घर लौट आएं, और लौटते वक्त पीछे मुड़ करके ना देखें, चाहे कोई भी चिल्लाए। क्योंकि दोस्तों अगर मान लीजिए कोई चिल्लाता है या कोई टोंकता है, तो समझ जाइए कि वो बुरी शक्ति जो है आपका ध्यान भंग कर देना चाहती है, ताकि आपके साथ आपका जो बैड लक है वो चलता रहे, यानी आपका जो बुरा समय है वो कभी ख़त्म ना हो, और वो खराब शक्ति आपको परेशान करती रहे। इसलिए वो चीखे चिल्लाने की आवाज़ आती है, इसलिए आप सावधान रहें, पीछे मुड़ करके ना देखें, और दोस्तों इससे भी वास्तु दोष ठीक हो जाता है। अब दोस्तों हमारा तीसरा प्रयोग है, ध्यान से सुनिए, ये प्रयोग है सफलता के लिए, किसी भी प्रकार की सफलता के लिए, चाहे नौकरी हो। जी हाँ दोस्तों, चाहे नौकरी हो, चाहे पैसा रुपया हो, घर में कुछ बचत नहीं होती है, हर समस्या का समाधान सफलता हेतु यह प्रयोग बहुत अद्भुत है। ध्यान से सुनिए, कड़ी मेहनत के बाद भी सफलता नहीं मिल रही है तो किसी हनुमान मंदिर जाएं। ध्यान सुनिएगा दोस्तों, यदि आप बहुत सारी मेहनत करते हैं, खूब मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी आपको सफलता नहीं मिल रही है, आपने दिन दिन रात चौगुनी मेहनत करी फिर भी सफलता नहीं मिल रही है, तो दोस्तों समझ जाइए कुछ ना कुछ चक्कर है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों कड़ी मेहनत के बाद भी यदि सफलता नहीं मिल रही है, बहुत मेहनत करते हैं, पैसा नहीं आ रहा घर में, रुपया पैसा नहीं बच रहा है, बीमारी लगी रहती है, पैसा पानी की तरह बहता ही रहता है, फिर भी समस्या नहीं जाती है, तो दोस्तों यह उपाय कर लीजिए जो मैं बता रहा हूँ, इसको करने मात्र से दोस्तों आपका जीवन बदल जाएगा। तो दोस्तों क्या करना है कि कड़ी मेहनत करने के बाद भी सफलता नहीं मिल रही है तो किसी हनुमान मंदिर जाएं और अपने साथ एक नींबू एवं 4 लौंग लेकर जाएं। ध्यान रखिएगा, एक नींबू और 4 लौंग लेकर के जाएं, और इसके बाद मंदिर में पहुंचकर नींबू के ऊपर 4 लौंग लगा दें, फिर हनुमान जी के समक्ष हनुमान चालीसा का पाठ करें, इसके बाद हनुमान जी से सफलता दिलवाने की प्रार्थना करें। जी हाँ दोस्तों, हनुमान जी से सफलता दिलवाने की प्रार्थना करें, और दोस्तों उनसे प्रार्थना करें कि हमारे रोग दोष बाधा संकट बुरी नज़र और जो खराब ग्रह हैं उन सभी को ठीक करे, सारी समस्याओं का नाश करे, और हमारे घर में जो रुपया पैसा नहीं बच रहा वो बचे। ठीक है दोस्तों, ऐसी प्रार्थना करें और नींबू लेकर कार्य प्रारंभ कर दें। जी हाँ दोस्तों, और उन हनुमान जी को कहें कि आप ये नींबू जो मैंने आपको नींबू दिया है प्रसाद स्वरूप, आप इसको लेकर के मेरा काम जो है चालू कर दें, इससे आपके कार्य में दोस्तों सफलता की संभावना बढ़ जाएगी, और हनुमान जी की कृपा से दोस्तों यकीन मानिए आपका जो आपका दिन है, जो आपका समय है, जो आपके घर में जो अशांति है, जो समस्या, जो नकारात्मक ऊर्जा, जो भी भूत प्रेत और नवग्रह बाधा है, सभी शांत हो जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, यह करके देखिए और हनुमान जी पर विश्वास रखिए, आपके सारे संकट कट जाएंगे। अब दोस्तों अगला प्रयोग है, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, ये हमारा चौथा प्रयोग है, बुरी नज़र उतारने के लिए। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, यदि किसी बच्चे को या बड़े इंसान को किसी की बुरी नज़र लग जाती है, तो दोस्तों उसके सिर के ऊपर से पैर तक 7 बार नींबू वार लें, यानी उतार लें, और इसके बाद
इस नींबू के चार टुकड़े करके किसी सुनसान स्थान पर या फिर किसी तिराहे पर यानी या फिर तिराहे जहाँ तीन रोड मिलते हों मेन या फिर चार रोड मिलते हों चौराहा या तिराहा पर जो है इसको क्या करें तिराहे पर फेंक आएं, ठीक है। और नींबू के टुकड़े फेंकने के बाद पीछे ना देखें, ठीक है दोस्तों। ध्यान रखिए पीछे नहीं देखना है और चाहे कोई भी चिल्लाए, इससे दोस्तों आप देखेंगे कि उस बच्चे की और उस इंसान की जो बुरी नज़र लगी होगी वो नष्ट हो जाएगी। अब दोस्तों अगला प्रयोग है हमारा पांचवा, व्यापार में लाभ। अगर आपका व्यापार में लाभ नहीं हो रहा है तो उस प्रयोग को भी मैं बता रहा हूँ जिसको करने मात्र से आपको व्यापार में लाभ होगा। यदि किसी का व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा है तो उसके लिए एक छोटा सा उपाय है, एक नींबू को दुकान या संस्थान की चारों दीवारों पर स्पर्श कराएं। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, बहुत चमत्कारी दिव्य उपाय है, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। यदि किसी का व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा है तो उसके लिए एक छोटा सा उपाय है, एक नींबू को दुकान या संस्थान की चारों दीवारों पर स्पर्श कराएं। जी हाँ दोस्तों, ध्यान से सुनिए फिर से, यदि किसी का व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा है तो उसके लिए एक छोटा सा उपाय है, एक नींबू को दुकान या संस्थान के चारों दीवारों पर स्पर्श कराएं। इसके बाद नींबू को चार टुकड़ों में अच्छे से काट लें और चारों दिशाओं में नींबू का एक एक टुकड़ा फेंक दें। इससे दुकान की नेगेटिविटी यानी जो नकारात्मक ऊर्जा है वो नष्ट हो जाएगी और व्यापार में लाभ होना शुरू हो जाएगा, आपकी फैक्ट्री अच्छे से चलेगी। यह उपाय कम से कम 7 शनिवार करें और भगवान ने चाहा आपकी इच्छा जल्दी सफलता में बदल जाएगी, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों आप बता रहे हैं भाग्य को चमकाने का उपाय, भाग्य को चमकाने हेतु उपाय, एक नींबू लें, उसको अपने सिर के ऊपर से 7 बार उतार करके उसके दो टुकड़े करें और बाएं हाथ का टुकड़ा दाएं तरफ और दाएं हाथ का टुकड़ा बाएं तरफ फेंक दें। ऐसा करने से दोस्तों आपका भाग्य खुल जाएगा, सोया हुआ भाग्य जाग जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आने वाली समस्या का नाश होगा और आपके घर में इतना पैसा आएगा कि आप सोच नहीं सकते दोस्तों। अब हम बात कर रहे हैं नौकरी पाने के लिए। जी हाँ दोस्तों, अब हम नौकरी पाने का एक ऐसा उपाय लेकर के आए हैं जो आपका जीवन चमका देगा। जी हाँ दोस्तों, यह एक ऐसा दिव्य प्रयोग है। यदि आप नौकरी के लिए चक्कर काट रहे हैं, जी हाँ दोस्तों, यदि आप नौकरी के लिए चक्कर काट रहे हैं, आपको नौकरी नहीं मिल रही है, आपने बहुत मेहनत करी, लेकिन दोस्तों आप क्या देखते हैं कि जिसको आपने बताया जो आपसे कमजोर है उसकी नौकरी लग गई, लेकिन आप इतने पढ़े लिखे तेज और आपके पास डिग्री होती है भी नौकरी नहीं लग रही है, तो दोस्तों समझ जाइए कि आपके साथ नकारात्मक ऊर्जा है, आपके ऊपर किसी ने कुछ करा रखा है या किसी ने कुछ बंधन कर रखा है, या फिर आपके पीछे कोई जो है बुरी शक्ति लगी पड़ी है, या फिर दोस्तों आपके आसपास जो है कोई अन्य ऊर्जा है जो आपको रोक रही है। तो दोस्तों ऐसा इन समस्याओं से आप छुटकारा पा सकते हैं और दोस्तों आपको अपनी मनचाही नौकरी मिल सकती है। यदि कोई भी स्टूडेंट हो, कोई भी ग्रेजुएट बंदा हो, कोई भी व्यक्ति हो, यदि वो तैयारी कर रहा है नौकरी के लिए और उसको नौकरी नहीं मिल रही है, तो दोस्तों आप इस प्रयोग को करिए, कैसे भी नौकरी हो आपको नौकरी मिलेगी। तो दोस्तों यह प्रयोग है, ध्यान से सुनिएगा, एक नींबू के ऊपर नौकरी पाने का प्रयोग बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए दोस्तों, एक नींबू के ऊपर 4 लौंग गाड़ दें, एक नींबू लें उसके ऊपर 4 लौंग गाड़ दें और ओम श्री हनुमते नमः, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, एक नौकरी पाने के लिए बता रहा हूं, सरकारी नौकरी पाने के लिए, सरकारी ही नहीं दोस्तों प्राइवेट भी नौकरी मिलेगी बड़ी से बड़ी जिसकी तनख्वाह होती, जी हाँ दोस्तों 40,000 से 50,000 और इससे ऊंची ऊंची सैलरी मिलती है प्राइवेट जॉबों में, यहाँ तक कि इस नौकरी पाने के जो टोटका बता रहा हूँ, इस नौकरी पाने का जो टोटका बता रहा हूँ इसको आप करिए, आपको प्राइवेट सेक्टर या सरकारी सेक्टर में नौकरी मिलेगी और बढ़िया पोस्ट पे मिलेगी, ध्यान से सुनिएगा। तो दोस्तों ये प्रयोग बहुत अद्भुत है और दोस्तों यह प्रयोग पढ़े लिखे भी कर सकते हैं और अनपढ़ भी कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों, और आपके योग्यता के हिसाब से मिलेगी, लेकिन दोस्तों यह प्रयोग बहुत अद्भुत है। एक नींबू के ऊपर आपको 4 लौंग गाड़ दें, जी हाँ दोस्तों आपको एक नींबू लेना बढ़िया पीला साफ सुथरा, ठीक है, और जब आप पीला नींबू लेंगे उसको पानी से साफ करिए, फिर उसको गंगा जल से स्नान कराइए, फिर इसको जो है फिर इसमें 4 लौंग गाड़ दीजिए और एक मंत्र है, उस मंत्र का आपको जो 108 बार जाप करना है, मंत्र है ओम श्री हनुमते नमः, मंत्र का 108 बार जाप करके नींबू को अपने साथ लेकर जाएं, आपका काम अवश्य बन जाएगा जब भी आप नौकरी के इंटरव्यू के लिए जाएं या नौकरी के लिए एग्जाम देने जाएं, ठीक है, या IAS के एग्जाम के लिए जाएं, तो दोस्तों यह प्रयोग करके जाएं और अपने साथ नींबू ले जाएं, आपका कार्य सफल हो जाएगा। अगर आपको नौकरी या काम नहीं मिल रहा है और
आप मारे मारे फिर रहे हैं, तो एक दाग रहित बड़ा नींबू लें और चौराहे पर 12 बजे से पहले जाकर उसके चार हिस्से कर लें और चारों दिशाओं में दूर दूर फेंक दें, फलस्वरूप बेरोजगारी की समस्या समाप्त हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, ऐसा करने से समस्त समस्याएं ठीक हो जाएंगी। अब दोस्तों अगला प्रयोग बता रहा हूँ, ठीक है। अब ये हमारा अगला प्रयोग है, मैं आपको 10 टोटके बताऊंगा, 10 प्रभावशाली चमत्कारी ज्योतिष शास्त्र के अनुसार टोटके बताऊंगा, ठीक है। और दोस्तों ये 10 के 10 टोटके अगर आपने कर लिए तो बहुत ही अद्भुत है। अब दोस्तों अगला टोटका सुने, अगला चमत्कारी तांत्रिक प्रयोग सुने। अब है रोग से मुक्ति हेतु, यदि आप बीमार रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, सारी चीजें बता रहा हूँ दोस्तों लाइन वाइज, आपके ज्ञान में वृद्धि करेगा, क्योंकि मैं पूरी जानकारी देता हूँ इसलिए मेरी वीडियो लंबी हो जाती है। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा और आखिरी तक देखिएगा, तभी आपके समझ में आएगा। दोस्तों रोग से मुक्ति हेतु यदि घर में कोई व्यक्ति या बच्चा रोगी है, यानी रोग से ग्रसित है और काफ़ी दवाइयाँ लेने के बाद भी सही नहीं हो रहा है और इलाज करवा करके थक गए हैं, तो दोस्तों शनिवार को एक नींबू लेकर, जी हाँ दोस्तों, तो शनिवार को एक नींबू लेकर रोगी के सिर से 7 बार उल्टा घुमाएं। ध्यान रखिएगा, ध्यान से सुनिए फिर से, रोगी से, जी हाँ दोस्तों, रोगी से रोग को दूर करने के लिए, यानी उस रोगी इंसान को रोग से मुक्त करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए, और जो रोगी जो अस्पतालों के चक्कर काट रहा है और चक्कर काट काट करके वो थक चुका है, दवाई ले लेकर के पक चुका है और हर जगह दिखा लिया, सब कर लिया और फिर भी लाभ नहीं हुआ। लेकिन दोस्तों जो मैं प्रयोग कर रहा हूँ विश्वास के साथ, इसको करिए मित्रों, आपका जो रोग है कैसा भी हो ठीक हो जाएगा, और साथ में अपनी दवाई दुआ भी लेती रहिएगा। और दोस्तों यह चमत्कारी तांत्रिक प्रयोग भी करिए, आप बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे और आप रोग मुक्त हो जाएंगे। ध्यान से सुनिए फिर से, यदि घर में कोई व्यक्ति या बच्चा रोगी है, यानी रोगग्रस्त है और काफ़ी दवाइयाँ लेने के बाद भी सही नहीं हो रहा है और वो इलाज उपचार करवा करके थक गया है, तो शनिवार को एक नींबू लेकर रोगी के सिर से 7 बार उल्टा घुमाएं, यानी 7 बार उल्टा नींबू को उतारना है रोगी के सर से, फिर एक चाकू सिर से पैर तक धीरे धीरे स्पर्श कराते हुए नींबू को बीच से काट दें, ठीक है दोस्तों। फिर से सुनिए, फिर एक चाकू लेना आपको, साफ सुथरा हो, ठीक है, गंगा जल से धोकर के चाकू का इस्तेमाल करना है, फिर एक चाकू सिर से पैर तक धीरे धीरे स्पर्श कराते हुए नींबू को बीच से काट दें और दोनों टुकड़ों को दोनों दिशाओं में संध्या के समय, जानते हो ना दोस्तों, जब दिन और रात का मिलन होता है वो संध्या का समय कहलाता है, संध्या के समय फेंक दें। यह टोटका किसी जानकार से पूछ कर करेंगे तो अच्छा होगा। वैसे तो हमने यह प्रयोग बता दिया है, क्योंकि दोस्तों इसमें समय का विशेष महत्व होता है, यानी कि कहने का अर्थ है दोस्तों, यदि आप इस टोटके को यदि किसी विशेष मुहूर्त में करते हैं तो और फलदायी है। इसका प्रयोग यदि आप सामान्य शनिवार में करेंगे तो इसका जो लाभ है वो आपको 60-70% मिलेगा। लेकिन दोस्तों यदि आप इसका शुभ मुहूर्त में प्रयोग करते हैं, जैसे अमावस्या हो गई, पूर्णिमा हो गई, या फिर कोई अन्य तीज त्यौहार हो गया, अगर आप ऐसे करते हैं तो दोस्तों तो ये और भी ज़्यादा खतरनाक काम करता है और जल्दी रोगी को ठीक कर देता है, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों अगर बीमारी पीछा नहीं छोड़ रही है फिर भी, तो 3 पके हुए नींबू लेकर एक को नीला, एक को काला तथा तीसरे को लाल रंग की स्याही से रंग दें। अब तीनों नींबुओं पर एक एक साबुत लौंग गाड़ दें। इसके बाद तीन मोती चूर के लड्डू लेकर तथा 3 लाल पीले फूल लेकर एक रुमाल में बांध दें। अब प्रभावित व्यक्ति के ऊपर से 7 बार ऊपर से उतार कर बहते जल में, जैसे नहर हो गया, नदियां हो गई, जल में प्रवाहित कर दें। ध्यान रहे, प्रवाहित करते समय आसपास कोई खड़ा ना हो, तब यह प्रयोग करें, आपको लाभ होगा। दोस्तों यह 2 प्रयोग थे बताए थे मैंने, ठीक है। और दोस्तों मेरे हर एक प्रयोग में 2-2 प्रयोग हैं जो आपके काम आएंगे। 10 प्रयोग बता रहा हूँ, 10 टोटके बता रहा हूँ, और उन 10 टोटकों में हर एक टोटके में 2 प्रयोग हैं, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों अगला है संतान प्राप्ति हेतु, यदि किसी को संतान की चाह है और उसकी संतान नहीं उत्पन्न हो रही है, यानी उस
उस महिला के बच्चा नहीं उत्पन्न हो रहा है। और दोस्तों उसने बहुत इलाज करवा लिया है और उसने हर जगह झाड़ा फूंक करवा लिया, फिर भी जो है वो उसकी जो गोद है वो सूनी है और वो संतानहीन है, उसको संतान का सुख नहीं मिल पा रहा है। तो दोस्तों यह मैं जो मैं प्रयोग बता रहा हूँ इसको करने मात्र से आप आपको संतान सुख प्राप्त होगा। आप इस प्रयोग से संतान प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए मैं बताता हूँ यह अगला प्रयोग, यह उपाय किसी विशेषज्ञ से, जी हाँ दोस्तों यह उपाय किसी विशेषज्ञ से ही पूछ करके बता रहा हूँ और यह प्रयोग कईयों ने करा है। और इसको ध्यान सुनिएगा दोस्तों, एक नक्षत्र मैं बता रहा हूँ, उसका नाम है उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में नींबू की जड़ लाकर उसे गाय के दूध में मिलाकर, जी हाँ दोस्तों गाय के दूध में, देसी गाय के दूध में, ध्यान रखिएगा दोस्तों, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में नींबू की जड़ ला करके उसे गाय के दूध में मिलाकर निसंतान स्त्री को पिलाएं, यानी कि जो माँ नहीं बन सकती है, बांझा स्त्री है, उसको पिलाएं तो दोस्तों उसे पुत्र की प्राप्ति होगी। जी हाँ दोस्तों, और ऐसा दिव्य पुत्र उत्पन्न होगा कि आप सोच नहीं सकते, इतना दिव्य प्रयोग है ये। अब दोस्तों अगला प्रयोग है समृद्धि के द्वार खोलने हेतु। जी हाँ दोस्तों, इतना खजाना आएगा ना आपके पास, पैसा रुपया बहुत आएगा दोस्तों, अचानक से आपको कहीं से खजाना प्राप्त हो जाएगा। मान लीजिए आप जंगलों में या खेतों में कहीं पर भी यात्रा करें, आपको अचानक खजाना प्राप्त मिल सकता है, या फिर दोस्तों आपका रुका हुआ पैसा मिल सकता है, या फिर मित्रों यदि आपको आपने किसी को कर्जा दिया वो भी मिल सकता है, या फिर दोस्तों आपको अच्छी खासी जॉब मिल सकती है, या फिर रास्ते में कहीं आपको बड़ा पैसा मिल सकता है, या फिर दोस्तों आपके रोजगार से आपको बहुत पैसा मिल सकता है। लेकिन दोस्तों ये पैसा किसी न किसी बहाने से आपके घर में इतना पैसा आएगा कि आप सोच नहीं सकते, इतनी पैसे की बारिश होगी कि आप सोच नहीं सकते। जी हाँ दोस्तों, यह समृद्धि के द्वार खोलने का अगला टोटका बता रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों आपने देखा होगा कई बार व्यक्ति के पास धन की आवक रुक जाती है, यानी कि आय रुक जाती है और समृद्धि के द्वार बंद हो जाते हैं, और दोस्तों मनुष्य धन के बिना कुछ नहीं कर पाता, ना तो वो अच्छा खाना खा सकता है, ना ही अच्छे कपड़े पहन सकता है, ना ही अन्य सुख सुविधाएं प्राप्त कर सकता है, ना ही दोस्तों अन्य चीज़ें कर सकता है। लेकिन दोस्तों समृद्धि धन लक्ष्मी पैसा वह पदार्थ है जिसके बिना मनुष्य का जीवन अधूरा है। जी हाँ दोस्तों, यदि मनुष्य के दुर्भाग्य की वजह से हर तरह की प्रगति रुक गई है, जी हाँ दोस्तों ऐसा लगता है कि किसी ने बंधन कर दिया हो, जिस प्रकार रस्सी से बांध देने पर व्यक्ति खुद को असहाय महसूस करता है, ऐसे ही आपको महसूस हो रहा है तो यह उपाय अजमाएं। एक नींबू लें और किसी चौराहे पर जाकर उसे 7 बार अपने ऊपर से उतार कर उसे 2 भागों में काट लें, एक भाग पीछे की ओर फेंक दें और दूसरा आगे की ओर फेंक कर काम पर चले जाएं या घर आ जाएं। और दूसरा उपाय, अपने ऊपर से एक साबुत नींबू लेकर उसे 21 बार सिर से पैर तक वार कर उसे विपरीत दिशाओं में फेंक दें। इसके बाद एक साबुत पानीदार नारियल लें और उसे अपने ऊपर से 21 बार उतार कर उसे किसी देव स्थान पर साबुत, जी हाँ दोस्तों उस साबुत का ही साबुत उसे जला दें। ऐसा करने से दोस्तों आपके पास इतना धन आएगा, इतना पैसा आएगा दोस्तों आप सोच नहीं सकते। जी हाँ दोस्तों, छप्पर फाड़ के पैसा बरसेगा आपके पास, इतना दिव्य एवं चमत्कारी उपाय है दोस्तों, इसको करिए। दोस्तों ये थे हमारे 10 चमत्कारी टोटके, और इन 10 चमत्कारी टोटकों में हर एक टोटकों में 2 तरह के हमने प्रयोग बताए हैं, ठीक है दोस्तों, जो आपके ज्ञान में वृद्धि करेगा और बहुत ही अद्भुत प्रयोग है मित्रों। और इन प्रयोगों को करने मात्र से दोस्तों आपका जीवन धन्य हो जाएगा। मित्रों मैंने सारे प्रयोग काम के बताए हैं और दोस्तों इसमें कुछ फालतू बातें नहीं है, और ये सारे के सारे प्रयोग जो है चमत्कारी एवं दिव्य तांत्रिक टोटके हैं, वो भी ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, जिसको आप करेंगे तो आपको लाभ निश्चित होगा। लेकिन विश्वास के साथ करिएगा, आपका कार्य जरूर सिद्ध होगा मित्रों। यह इतना दिव्य प्रयोग है कि दोस्तों इसके बारे में जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। दोस्तों यह प्रयोग सदियों से चले आ रहे हैं, वही पुराने सदियों प्रयोग मैंने आपको बताए हैं। यदि किसी का भला हो जाता है मित्रों तो इसमें मित्रों हमें बड़ी खुशी होगी, और किसी का कल्याण होगा तो इससे अच्छी बात क्या होगी। मित्रों यह जो प्रयोग है इतना चमत्कारी है, मैं आपसे क्या बताऊं, इसको करने मात्र से आपके भाग्य का जो ताला है वो खुल जाएगा और आपकी किस्मत चमक जाएगी। बहुत ही रहस्यमय प्रयोग है, आप इनको करिए। ऐसे ऐसे प्रयोग बताए हैं जो आपके जीवन को बदल के रख देगा।
मित्रों, यह प्रयोग करने मात्र से आपका जीवन बदल जाएगा। आप खुद कहोगे कि मैंने कैसे प्रयोग बताएं जिसको करने मात्र से आपका जीवन बदल गया। लेकिन दोस्तों, यह प्रयोग यदि आपने सच्चे दिल से कर लिया तो आप जरूर सफल होंगे। उम्मीद करता हूँ यह जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही रहस्यमय जानकारी पाने के लिए आप सभी हमसे जुड़े रहें। और दोस्तों, ऐसी ही जानकारियों को प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और घंटी को भी सही प्रकार से दबा लीजिए और वीडियो को भी लाइक करना ना भूलिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल के माध्यम से तांत्रिक औषधियाँ, तांत्रिक जड़ी बूटियाँ एवं आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ तथा तांत्रिक साधनाएँ तथा अन्य दिव्य चमत्कारी पक्षी तथा कई प्रकार के वास्तुशास्त्र से संबंधित जानकारी तथा ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जानकारी तथा अनेकों प्रकार की रहस्यमय विद्याओं के बारे में जानकारी लाते रहते हैं। सोना बनाने की विद्या, चांदी बनाने की विद्या तथा इसके साथ साथ दोस्तों अनेकों प्रकार के दैवीय तत्वों के बारे में बताते रहते हैं, जो आपके ज्ञान में वृद्धि करता है। इसलिए दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों, आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।